हाँ, अगर आपको आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं पता है, आपको अगर ये भी नहीं पता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है, या आपको वोटर आईडी कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो सिंपली आप सर्च करके अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड लिख देना है। वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास ईसीआई की जो है ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। ईसीआई की जब ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी, जो आपके इलेक्शन कमीशन की, तो उसके बाद आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिमिलरली पेज खुलकर, एक पेज खुलकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। पेज खुल के आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च इन इलेक्टोरल रोल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कई तीन ऑप्शन आएंगे। आप ईपैक नंबर से भी अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा आपके पास आएगा सर्च बाय डिटेल, और तीसरा आएगा मोबाइल नंबर। आपको पता नहीं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है, या आपको ईपैक नंबर भी नहीं पता, तो आपके पास बीच का ऑप्शन रह जाता है। तो बीच के ऑप्शन में सबसे पहले आपके बीच के ऑप्शन में क्लिक करिए। बीच के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इतना तो पता होगा कि आपकी डिटेल्स क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना है, कहाँ से आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, भाषा को आपको चुनना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे। नाम डालने के बाद आपको लास्ट नेम डालना है, अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको यहाँ से आपके रिलेटिव्स का नाम डालना है, फादर हस्बैंड या फादर का नाम। तो यहाँ पर हम फादर का जो है पहला अक्षर, पहला नाम है वो डाल देते हैं, दूसरे में लास्ट का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। लास्ट का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सिमिलरली क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप यहाँ से क्लिक करिए, फिर यहाँ पर क्लिक करिए और पहले आप सन पे चले जाइए। मेरा जो सन है उस पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पर कौन से साल में पैदा हुए थे, कौन से मंथ में, और फिर कौन से डेट को, ये डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिंक पर जाना है, और लिंक पर आप क्या है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक कर देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है कौन सा। उसके बाद जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनरी है वो कौन सी है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है, कैप्चर आप यहाँ से डाल सकते हो। कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जब सर्च पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है वो ईपैक नंबर भी आ जाएगा, और आपका जो इस नाम से जो बना हुआ है वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, यहाँ पर करने के लिए आप व्यू यहाँ पर कर दीजिए। व्यू करने के बाद आपको मतदाता का जो है वोटर का लिस्ट आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नाम है या नहीं है, आप सिंपली यहाँ से ये भी देख सकते हैं, और आप यहाँ पे मतदाता सूची पर जाके यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी पूरी जो है चुनाव आयोग के बारे में आपको पता चल जाएगा, आपका जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपका पोलिंग स्टेशन या कौन सा आपका बूथ है वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू।